जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल चाल? लगवा ली है वैक्सीनेशन सबने? नो मैम। यूनिवर्सिटी वापस आने का कोई प्लान नहीं है? आना है वापस। वैक्सीनेशंस क्यों नहीं लगवाई? लगवा लो, कंपलसरी हुआ है यूनिवर्सिटी में आने के लिए। यस मैम। अच्छा स्टार्ट करें। अच्छा आज हम लोगों ने, जिस तरह मैंने आपको बताया था, थर्ड मेन रीजन है हमारे पास, एक तो नी सबसे बड़ा था और दूसरा रिस्ट, एंड थर्ड वन इज द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट भी नी की तरह बहुत थोड़ा सा कॉमन है, ठीक है। इसकी पैथोलॉजीज भी बहुत ज्यादा कॉमन है और पेशेंट प्रेजेंट करता है इन कंप्लेंट्स के साथ जिसका शोल्डर स्कैन किया जाता है। तो ज्यादातर हम लोग जो ये तीन रीजन है ना, इनका तो मस्ट मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड हो रहा है, बाकी जो है ना उनके लिए तो हम डिटेल्ड इमेजिंग करते हैं। तो इसकी कुछ कंप्लेंट जिस तरह की होती है कि हम लोगों को डायनामिक इमेजिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ड्यूरिंग मूवमेंट हम लोगों को स्कैन करना होता है, जिस तरह पेशेंट कंप्लेन करता है, उसको नी की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, उसको चलते हुए, उसको क्लाइंबिंग करते हुए, उसको बैठते हुए, उसको नी के ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। इस तरह शोल्डर भी हमारा जो है बड़ा जॉइंट है, ज्यादा इसमें मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी भी कंप्लेंट्स ज्यादा उसी तरह होंगी। तो पेशेंट को हम लोग डायनामिक इमेजिंग जहाँ पे रिक्वायर्ड है, हमें ड्यूरिंग मूवमेंट हमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैं जो हूँ शोल्डर की ज्यादातर कंप्लेन इसी तरह होती है कि मैं अपना आर्म जो है ज्यादा ऊपर तक नहीं उठा सकता। मैं जो हूँ जब भी कंघी करने लगता हूँ या ब्रश करने लगता हूँ तो क्या होता है कि मेरा जो है ना आर्म जो है उसमें बहुत ज्यादा पेन होती है, एबडक्ट नहीं कर पाता मैं, ठीक है। उसके अलावा फ्लक्स नहीं कर पाता मैं, ठीक है। तो ये सारी कंप्लेंट्स जो है वो डायनेमिक इमेजिंग में आती हैं, ताकि हम लोग जो है ड्यूरिंग स्कैन जो है उसकी मूवमेंट करवाते हुए हम उन मसल्स को डेट आर इन्वॉल्व इन डैट मोशन, तो वो हम लोग उनको विजुलाइज कर सकें, ठीक है। तो उसके अंदर जो है सबसे पहले, जिस तरह मैंने हर रीजन को जो है डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ द एनाटमी, ठीक है। सेकेंड विल बी ऑफ द पैथोलॉजीज, एंड थर्ड वन जो है वो अल्ट्रासाउंड टेक्निक है कि हम लोग प्रोब और पेशेंट पोजीशनिंग वगैरह किस तरह करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है थर्ड रीजन का, मेजर रीजन है हमारे पास। इसके बाद जो है हमारा मेजर तीन रीजन खत्म हो जाएंगे तीन, और उसके बाद एक दो छोटे छोटे से लेक्चर हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एंकल हो गया, कार्पल टनल हो गया, इस तरह के छोटे छोटे से जो है ना लेक्चर्स चार पांच और हो जाएंगे, तो उससे हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मस्कोस्केलेटल का थोड़ा सही सिलेबस है, ठीक है। तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे लेक्चर्स जब हमारे कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा सा टाइम हम लोग प्रैक्टिकल को भी दें, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि ना आप लोगों की क्लास बीच में रखवाऊँ, लेकिन मेरा ख्याल है आप लोगों के लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएंगे आफ्टर मिड्स, तो फिर उसके बाद हम लोग ना थोड़ा सा टाइम प्रैक्टिकल को देंगे। तो आप लोग के कुछ क्लास के बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैं एससीपी में भी अल्ट्रासाउंड रखवाएं और ये वो, तो उसकी मैंने आप लोगों को यही बात की है कि ना उसकी टेंशन ना लो। तो मस्कोस्केलेटल या वैसे अल्ट्रासाउंड की टेक्निक्स के लिए मैंने प्रैक्टिकल वैसे भी सोचा हुआ था इस सेमेस्टर में, तो वो एससीपी से हटके ही होगा, ठीक है। तो एससीपी में जो भी आपको जो भी बंदा पढ़ाए वो तो उससे रिलेटेड ही पढ़ाएगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है उसका प्रैक्टिकल सेपरेट होगा, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड जो है उसमें शोल्डर जॉइंट की सबसे पहले हम लोगों ने एनाटमी पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग एनाटमी उस जॉइंट की जो है जितनी भी बोन्स हैं दैट मेक्स द जॉइंट, उनको हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी जो हमारे पास बोन्स हैं शोल्डर के अंदर जो हमारा शोल्डर जॉइंट बना रही है। आप लोग एनाटमी पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में एनाटमी वगैरह पढ़ते आ रहे हो, उसमें कोई पढ़ने वाली कोई ऐसी कोई है नहीं, हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं कि हमें पता है कि कौन सी जो बोन्स हैं वो मिलके हमारे पास शोल्डर जॉइंट बना रही है। कौन कौन सी बोन्स हैं जो शोल्डर जॉइंट में है? बताओ कोई। स्कैपुला, ठीक है। और इंटीरियरली कौन सा बोन है? क्लेविकल। तो ये मेन बोन जो है ना पीछे हमारे पास आ गया स्कैपुला, दो स्कैपुला हमारे पास होते हैं राइट एंड लेफ्ट, देन इंटीरियरली क्लेविकल बोन्स होती है। बेटा किसका माइक ऑन है? बहुत ज्यादा हो रहा है, अपना माइक बंद कर लो, ठीक है।
हमारे पास क्लेविकल्स होती हैं दोनों साइड पे, ठीक है, ट्रांसवर्स की पड़ी होती हैं और वो अटैच होती हैं सेंटर में हमारे टेंडन के साथ। आपको ही बुला रही है बेटा, किसका माइक ऑन है? मैं तो की काम कर रही हूं, मैं अल्लाह का वास्ता मान ली। आप लोगों को समझ ही नहीं आती है बात की, ये पता ही नहीं चलता कि आप लोगों का माइक ऑन है, पता नहीं सुन रहे होते हो कि नहीं सुन रहे होते। अच्छा क्या बात कर रही थी, हाँ जो हमारे पास बोन्स हैं उसकी मैं बात कर रही थी कि एंटीरियरली हमारे पास दो क्लेविकल्स हैं दैट आर अटैच सेंट्रली विद द स्टर्नम, ठीक है, एंड पोस्टीरियरली वी हैव स्कैपुला, और पोस्टीरियरली हमारे पास स्कैपुला के दरमियान में स्पेस नहीं होती, ठीक है, उसके दरमियान दोनों जो क्या कह सकते हैं स्कैपुला उसके दरमियान, आगे से तो एंटीरियरली ये ज्वाइन करते हैं स्टर्नम के साथ, आप अगर उसको ऊपर से व्यू करो, ठीक है, एक्सियल हम लोग इसको अगर स्लाइड्स में इसको देखें तो हमारे पास ये इनकम्प्लीट सर्कल है, ठीक है, एंटीरियरली तो वो स्टर्नम के साथ ज्वाइन कर रही है क्लेविकल, बट पोस्टीरियरली स्कैपुलास दोनों एक राइट और लेफ्ट साइड पे हमारे हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे सेंटर से, दिस इनकम्प्लीट सर्कल। तो दिस इनकम्प्लीट सर्कल को हम लोग शोल्डर गर्डल कहते हैं या पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, ठीक है, दिस इज कम्पोज्ड ऑफ टू मेन कंपोनेंट ऑन आइदर साइड, वन इज द स्कैपुला पोस्टीरियरली एंड क्लेविकल एंटीरियरली, ठीक है। फिर हमारे पास है दिस इनकम्प्लीट रिंग इज ओपन इन द बैक बिटवीन द टू स्कैपुला एंड कम्प्लीट इन द फ्रंट एट द क्लेविकल आर कनेक्टेड विद द स्टर्नम इन द मिडलाइन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इस सर्कल को अगर हम लोग देखें ऊपर से व्यू करें तो वी नो के पोस्टीरियरली हमारे स्कैपुलास हैं, एंटीरियरली वी हैव क्लेविकल्स दैट आर जॉइंड विद द स्टर्नम इन द मिड, ठीक है, तो दिस इज एन इनकम्प्लीट रिंग जो कि पोस्टीरियर, दिस इनकम्प्लीट रिंग इज नोन एज शोल्डर गर्डल। इफ आई आस्क What are the bones that makes the shoulder girdle? You should know के हमारे पास posteriorly those scapulas हैं that are not attached. Interiorly we have clavicles that are attached with the sternum in the midline. ठीक है, posteriorly they are not attached, so they will make an incomplete ring that is known as shoulder girdle. Clear हो गया? Shoulder girdle से आगे यहाँ पे हम उसकी bones देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है scapula, देन इंटीरियरली हमारे पास क्लेविकल एंड जो लेटरली है हमारे पास ह्यूमरस है, बट शोल्डर गर्डल के अंदर ह्यूमरस का कोई काम नहीं है, शोल्डर गर्डल के अंदर स्कैपुला एंड क्लेविकल मेक्स द शोल्डर गर्डल, ठीक है। ये जो ऊपर कंप्लीट सी रिंग आपको नजर आ रही है यूं सर्कल सा बनता है, ठीक है, ये स्टर्नम के साथ आगे अटैच होती है दोनों क्लेविकल की, यहाँ से ये क्लोज हो जाता है, तो ये यूं करके सर्कल आके यहाँ पे खत्म होता है, तो देयर इज दिस गैप बिटवीन द टू स्कैपुला, so this incomplete ring is known as shoulder girdle, ठीक है, ये हमारे पास दोनों क्या कहते हैं anterior posterior view, axial view of the shoulder from the above, अगर हम ऊपर देखें तो ये देखो अगर scapula हमारे पास posteriorly पड़ा हुआ था तो scapula के अंदर दो जो है हमारे पास processes होते हैं, एक coracoid process होता है, एक acromion process होता है, ठीक है, ये हमारे पास आगे clavicle है, ठीक है, this spine is known as coracoid and this is the acromion process, ठीक है, इनके दरमियान हमारे पास ये जो वाइट येलो कलर की लाइंस नजर आ रही हैं, दीज आर द लिगामेंट्स, एक मिनट बेटा, so we were talking about the bones that makes the shoulder girdle, anteriorly posteriorly and laterally we have a humerus that not communicate contribute to the shoulder girdle, theek hai, ab hum log one by one inko padhte hain aur detail mein ki uske upar kaun kaun se processes hote hain aur kaun se ligaments hote hain jo in joint jo in bones ko join karke hamare paas inko join karte hain aur hamare paas joint banate hain, theek hai,
तो हम लोग जिस तरह हर एनाटॉमी में पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम बोन्स पढ़ते हैं उस जॉइंट की, ठीक, बोन्स के बाद हम लोगों ने उन बोन्स को कैसे वो यूनाइट कर रहा है, कौन से लिगामेंट्स उनको यूनाइट कर रहे हैं, वो लिगामेंट्स हम लोगों ने पढ़ने होते हैं। देन हम लोग देखते हैं कि उस जॉइंट के ऊपर हमारे पास टेंडन्स अगर हैं तो कोई टेंडन्स कौन से हैं, और फिर हमें पता है कि उस जॉइंट के ऊपर हमारे पास कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, उन मूवमेंट्स में कौन से मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, एबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सारी जो मूवमेंट्स हैं ये हमारी शोल्डर जॉइंट के ऊपर होती हैं, तो कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे जो ये वाली मूवमेंट स्पेसिफिक करवाएंगे, ठीक है, तो उन मसल्स का हमें पता होना चाहिए, बिकॉज पेशेंट इफ कंप्लेन कि हम मुझे इस मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो वी शुड नो कि ये मूवमेंट कौन सा मसल करवाता है, ठीक है। मैंने इसके अंदर टेबल बना दिया आगे, तो वो आप एक दफा देख लेना, ठीक है। अदरवाइज ये इतना मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ पता है कि चार बोन्स हैं, तीन बोन्स हैं इसके अंदर, स्कैपुला, क्लेविकल और ह्यूमरस, लिगामेंट, उस लिहाज से हम देख लेते हैं। अच्छा, पोस्टीरियर कंपोनेंट, अब पोस्टीरियर कंपोनेंट में वी नो देयर इज अ स्कैपुला, ट्रायंगुलर शेप बोन है, पोस्टीरियरली हमारे शोल्डर गर्डर पे पड़ी होती है, और इसके अगर पार्ट्स देखें तो दो पार्ट्स हैं इसके, एक द एक्रोमियन प्रोसेस और दूसरा कोरोकाइड, जो कि मैंने अभी पिछले इमेज में आपको दिखाया था, ठीक है। स्पाइन ऑफ द स्कैपुला विच कोर्सेस ऑब्लीगली अक्रॉस द अपर थर्ड ऑफ द बोन टू द हेड ऑफ द स्कैपुला विच कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, नंबर वन इज द एक्रोमियम प्रोसेस एंड द अदर वन इज द कोरोकाइड प्रोसेस। जब आप एनाटॉमी पढ़ते थे तो एनाटॉमी लैब में जाते थे आप लोग, वहां पे जो पढ़ी होती हैं चीजें आप देखते थे इनको? नो मैम। क्यों नहीं पढ़ी थी? एनाटॉमी लैब आप लोगों के लिए बनाई हुई है, स्पॉटिंग पढ़ी है मैम। स्पॉटिंग पढ़ी है ना आप लोगों ने, तो वहाँ पे बोन्स वगैरह पढ़ी होती है, तो आपने देखा होगा स्कैपुला को उठा के किस तरह की बोन होती है, नहीं, ठीक है, स्कैपुला को हम लोगों ने किस तरह, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, हमें पता है कि स्कैपुला किस तरह की शेप होती है उसकी, उसको अगर आपने उठा के खुद देखा हो, ठीक है। तो एनाटॉमी मैं बार बार कहती हूँ कि इमेजिंग वालों की एनाटॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों को अगर रियल में चीजें पता है ना, आप लोगों को बोन्स पता, आप एनाटॉमी लैब हर टाइम आपके लिए खुली हुई है, आप लोग जाओ वहां पे देखो बोन्स, देखो वहां पे किस तरह की उसकी शेप होती है, कैसे कैसे उसकी मतलब कहाँ पे टिब्रोसिटीज हैं, कहाँ से वो डिप्रेशन है, ये जहन में लाओ ताकि आप लोग जब इमेज करो तो आपको नॉर्मल एनाटॉमी पढ़ाओ। फिर उसके बाद मैं कहती होती हूँ जब जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनकी आप लोगों को एटलीस्ट कंसिस्टेंसी, मतलब किस तरह की वो डेंस टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है, क्योंकि हम लोगों ने इमेजिंग करनी है तो हम लोग उसी का उस लिहाज से उसकी एकोजेनिसिटी या उसकी जो हम लोग रेडियो पे को हमें जिस तरह की उसकी अपेरेंस होती है वो हमें नजर आती है, ठीक है, तो वो जो है वो हम लोग उसकी डेंसिटी के ऊपर ही उसको डिफरेंट उसमें देख रहे होते हैं। तो जब ये क्या कहते हैं कुर्बानी वगैरह होती है जानवर की, तो उसके जो स्ट्रक्चर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनको कोशिश क्या करो रीड करने की, या मैं छोटे होते बहुत करती होती थी, पढ़ती होती थी, देखती होती थी उनको, देखा करो ट्रेकिया किस तरह का होता है, बीच में कार्टिलेज लगी होती है, ठीक है, और वो किस तरह का हम लोगों का उसमें होता है, मेरे अब्बू को तो बहुत चीजें निकाल निकाल के मुझे देते थे, हार्ट दे दिया, हार्ट को जो है मैं काट के देखती होती थी, चैम्बर्स देखो, इस तरह जो है ना हमें चीजों का पता चलता है, लिवर की, किडनी की, किडनी को कट करके देखो, ठीक है, उसके अंदर हमें नजर आएगा कैलसिस किस तरह के होते हैं, पेल्विक जो सिस्टम है किस तरह का बनता है, तो एटलीस्ट आप लोग जो आंखों से देखी हुई रियल ही होती है ना। बेटा किसका माइक फिर ऑन हो गया है? हसनैन आसिफ, ठीक है, तो जो है जो चीज रियल में देखी होती है ना वो जब हम इमेज करते हैं ना तो हमें पता होगा कि ये यार इसकी इमेज, क्योंकि इमेज में काफी टाइम जो है हमें कुछ चीजें क्लियर नहीं नजर आ रही होती, जब रियल में हमें पता है ना तो हम लोग उसका व्यू बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट, हम लोग थे कि स्कैपुला जो है वो रियल में किस तरह का होता है, उसके दो प्रोसेसेस होते हैं, एक एक्रोमियम प्रोसेस, दूसरा कोरोकाइड प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास क्या है, एक्रोमियम प्रोसेस किस जगह पे होता है, एक हमारा एक्रोमियम प्रोसेस है, दूसरा हमारा क्लेविकुलर कोरोकाइड प्रोसेस है, तो उसके साथ अटैचमेंट होगी हमारे किन की, लिगामेंट्स की, तो वो कौन से लिगामेंट्स हैं, वो नेम से हम भी आपको बताते हैं कि ये वाले लिगामेंट्स इनको ज्वाइन करेंगे, तो दिस दिस दैट लिगामेंट। एक्रोमियम प्रोसेस फॉर्म्स द टिप ऑफ द शोल्डर एंड आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकल एट द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है, दैट इज अ ब्रॉड फ्लैट प्लेट ऑफ द बोन कंटिन्यूस विद द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला।
Acromion process lies superiorly to the glenohumeral joint. ठीक है, provides the attachment for several muscles of the arm and chest. Coracoid दूसरा है जो कि हमारे पास, अगर देखा ना आपने scapula के, तो दो इस तरह करके spine से बन रहे, तो दूसरा coracoid है that projects from superior aspect of the neck of the scapula and lies anteriorly to the glenohumeral joint. ये जो है हमारे पास superior to the glenohumeral joint है and that is the anterior to the glenohumeral joint. What is glenohumeral joint? हमारे पास humeral humerus bone है laterally, वो attach किस तरह होगी इस joint shoulder girdle के साथ to make a shoulder joint complete. ठीक है, पहले ये दो हम लोगों ने processes पढ़ ली हैं. These are joined by the coracoacromial ligament. जो coracoid process और acromion process के दरमियान ligament है, जो मैंने शुरू की एक इमेज जो कि axial view था, उसके अंदर आपको येलो कलर की लाइंस नजर आ रही थी, जहां पे इन दोनों प्रोसेसेस को सेंटर में एक लिगामेंट में ज्वाइन किया हुआ था. नेम सही बता रहा है, कोरेको एक्रोमियम, जो कोराकोइड को और एक्रोमियम प्रोसेस को यूनाइट कर रहा है, दैट लिगामेंट इज नोन एज कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट टू फॉर्म अ कंटीन्यूअस प्रोटेक्टिव आर्च ओवर द शोल्डर ज्वाइंट. अच्छा, अब आज शोल्डर गर्डर कंप्लीट हो गया, हमें पता है पोस्टीरियरली वी हैव अ स्कैपुला, इंटीरियरली क्लेविकल मेक्स शोल्डर गर्डल. किस तरह शोल्डर गर्डल बनाते हैं, उसके अंदर स्कैपुला के दो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, एंड इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली. सुपीरियरली जो है वो ग्लेनोहुमेरल से वो एक्रोमियम प्रोसेस होता है, और एंटीरियरली टू द ग्लेनोहुमेरल हमारे पास कोरोकॉइड होता है. तो दोनों को आपस में कौन सी लिगामेंट अटैच करेगा, कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट. यहाँ तक कंप्लीट. अब आ जाओ शोल्डर ज्वाइंट. ठीक है, बिटवीन द टू प्रोसेसेस ऑफ द स्कैपुला सिट्स द ग्लेनोइड कैविटी, हॉलो डिप्रेशन. आप देखो एनाटमी आप रिवाइज कर रहे हो, पिक्चर को ज़हन में लाओ, ये गर्डल बन गया, साइड्स पे हमारे पास ह्यूमरस ने अटैच होना है, तो ह्यूमरस के लिए कोई डिप्रेशन होना चाहिए ना, हॉलो कैविटी होनी चाहिए जहां पे जाके ह्यूमरस का जो हेड है वो जाके फिक्स होगा. ठीक है, तो वो ग्लेनोइड कैविटी कहलाती है, दैट हॉलो डिप्रेशन विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर ज्वाइंट. शोल्डर गर्डल हो गया, अब शोल्डर ज्वाइंट कैसे बनेगा, शोल्डर ज्वाइंट बनेगा ह्यूमरस से और शोल्डर गर्डल से. ठीक है, तो ये तीन बोन्स हमारी मिलके शोल्डर ज्वाइंट बनाएंगी. तो ह्यूमरस कैसे अटैच होगा, जो हमारा शोल्डर गर्डल का लेटरल पार्ट था जो कि थोड़ा सा डिप्रेस था, होलो कैविटी थी, उसके अंदर ग्लेनोइड कैविटी के अंदर उसका हेड जो है वो आके फिक्स होगा. सो द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला आर्टिकुलेट्स टू फॉर्म अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. आपको पता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कैसा होता है, ठीक है, एंड नोन एज द ग्लेनोहुमेरल ज्वाइंट. अच्छा, फिर हमारे पास ये जो हेड है ह्यूमरस का, दैट विल अटैच इनटू द ग्लेनोइड कैविटी, वहां पे एक लेब्रम होता है, ठीक है, जिसको ग्लेनोइड लेब्रम कहते हैं. व्हाट इज दिस, दिस इज अ फाइब्रोकार्टिलेज लिगामेंट. ये जिस तरह बाकी लिगामेंट्स होते हैं, ये थोड़ा सा समझ लो कि सर्कुलर एक होता है, रिंग की फॉर्म में ग्लेनोइड कैविटी के अंदर एक फाइब्रोकार्टिलेज लिगामेंट वहां पे होगा. तो ये क्या होगा, इसका जो हेड है ना वो इसके अंदर आके फिक्स हो जाएगा, ताकि ये हमारे पास एक जॉइंट प्रॉपर एक बना सके. ठीक है, इस लिगामेंट को ह्यूमरस को समझ लो कि ह्यूमरस किस चीज से अटैच होता है विद द ग्लेनोइड कैविटी, इट्स अ ग्लेनोइड लेब्रम. लेब्रम क्या है, इट्स अ फाइब्रोकार्टिलेज लिगामेंट है, ठीक है, वो रिंग की तरह होता है और उस कैविटी के अंदर इस तरह रिंग में पड़ा होता है, और आके जो है उसका हेड ह्यूमरस का उसमें अटैच हो जाएगा. ठीक है, तो ग्लेनोइड लेब्रम व्हाट इज इट, इट्स अ फाइब्रोकार्टिलेज वेज शेप लिगामेंट अटैच अलोंग द मार्जिन ऑफ द ग्लेनोइड कैविटी. ठीक है, फॉर्मिंग अ रिंग विच सर्व्स टू मेक्स द कैविटी डीपर, दिस इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्लेनोहुमेरल ज्वाइंट एंड कुशन्स द ह्यूमरल हेड. ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एंड कुशनिंग टू द ह्यूमरल हेड. ये लिगामेंट है, ठीक, ये अगर आप देखो, एक मिनट बेटा, ठीक है, तो इस इमेज को देखो, तो ये हमारे पास ग्लेनोइड लेब्रम, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना ह्यूमरल हेड ने इधर आके ग्लेनोइड कैविटी के अंदर आके फिक्स होना है. सो दिस डिप्रेशन इज द ग्लेनोइड कैविटी,
ठीक है, इसके अंदर ये जो व्हाइट कलर का है ना, ये एक लिगामेंट टाइप होता है, ये रिंग की तरह साइडों पे सर्कुलर जो है यहाँ पे पड़ा होता है, फाइब्रोकार्टिलेज इसका वो मटेरियल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इस लेब्रम के अंदर, रिनॉइड लेब्रम के अंदर जो है ह्यूमरल हेड आके फिक्स होगा। ठीक है, तो आपको समझ आ रही है एनाटॉमी किस तरह बोन्स अटैच हो रही है इसके साथ। देन वी हैव द शोल्डर ज्वाइंट इज कैपेबल ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ द मूवमेंट, जो मैंने अभी बताया था, जिस तरह हिप ज्वाइंट या नी के ऊपर हमारे पास बहुत सी मूवमेंट्स होती हैं, इसी तरह शोल्डर में सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है शोल्डर ज्वाइंट पे। अ वाइड रेंज ऑफ मोशन इज अकम्पाइंड बाय अ ग्रेट डिग्री ऑफ द इंस्टेबिलिटी, द शोल्डर ज्वाइंट मे बी डिस्प्लेस और डिसलोकेट रादर इजिली, इसी वजह से जो है इसकी डिसलोकेशन के या डिस्प्लेस होने के इसकी बोन के ज्यादा चांस होते हैं। अगर कोई भी ट्रॉमा या कोई भी इंजरी हुई है तो शोल्डर निकल गया, अभी शोल्डर ज्वाइंट जो है वहां से डिस्प्लेस हो गया। ये हमारे पास पोस्टीरियर कंपोनेंट्स, हमने स्कैपुला पढ़े थे और वो अटैच हो रहा था लेटरली हमारे पास किस तरह ह्यूमरस के साथ। इंटीरियरली हमारे पास कौन सी बोन है, वी ऑल नो इंटीरियरली वी हैव अ क्लेविकल दैट अटैच टू द स्टर्नम। ठीक है, और वो किस तरह की होती है, इट्स अ ट्रांसवर्सली प्लेस्ड हमारे पास दोनों साइड्स पे, और आपको पता है क्लेविकल जो है अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो क्लेविकल बोन की फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी जो है ना फ्रैक्चर हो सकता है इसका। इट्स एस शेप सिलेंडर शेप। ठीक है, ये हमारे पास एस शेप ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होती है दोनों साइड्स पे, एंटीरियरली कोर्स ऑलमोस्ट हॉरिजेंटली अक्रॉस आइदर साइड ऑफ द चेस्ट फ्रॉम बेस टू द नेक ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट। क्लेविकल मीडियली किस तरह, मेन्यूब्रम जो स्टर्नम का अपर पार्ट होता है मेन्यूब्रम उसके साथ अटैच होगा, और लेटरली ईच क्लेविकुलर आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियम प्रोसेस, जो कि अभी हमने पढ़ा था, ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म द एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ओके, इंटीरियरली अब हमने देख ली कौन सी बोन है, ट्रांसवर्सली पड़ी हुई है, एस शेप होती है, ट्रांसवर्सली हमारे हॉरिजॉन्टली दोनों साइड्स पे अटैच होगी सेंटर से मेन्यूब्रम ऑफ द स्टर्नम, जो कि मेन्यूब्रम स्टर्नम का अपर पार्ट होता है, वहां पे दोनों साइड्स पे अटैच होगी, और जो लेटरली है वो किसके साथ, एक्रोमियम प्रोसेस स्कैपुला के उसके साथ अटैच होगी। ठीक है, so the clavicle serves as a brace for the shoulder joint, providing some stability for the scapula which would otherwise move freely. It also serves as an attachment for several muscles of the arm, chest and back. Phir aa gaya hamare paas humerus. The humerus is a hemispherical articular surface to is bordered by the anatomical neck of the humerus. Hamari jo neck hai uski jo samajh lo head hai kiska, humerus ka, that will attach with the scapula, जो उसका ग्लीनॉइड कैविटी है उसके अंदर आके फिक्स होगा, और फिक्स किससे होगा, ग्लीनॉइड लेब्रम के थ्रू। इज कवर्ड बाय हायलैंड कार्टिलेज, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी लाइज लेटरल टू द एनाटॉमिकल नेक, इट हैज थ्री फेसेट्स। अगर आप लोगों ने इसकी भी एनाटॉमी इसको रियल में देखा है, अगर ह्यूमरस बोन को, तो आपने देखा होगा इसकी दो ट्यूबरोसिटीज होती हैं, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी एंड लेसर ट्यूबरोसिटीज। ठीक है, मैं आगे डायग्राम में दिखाती हूँ। This is the greater tuberosity. ये head अगर है गोल सा बिल्कुल, तभी तो ये ball and socket joint बनाता है। ये attach होगा हमारे उस glenoid cavity के अंदर, ठीक है, fix हो जाएगा उसके अंदर। ये जो पीछे हमारे पास थोड़ा सा उभार सा हमें नजर आ रहा है, this is the greater tuberosity या greater tubercle इसको कहते हैं। ये हमारे पास neck है, anatomical neck, this is surgical neck, ठीक है। ये greater tuberosity अगर हम posterior से देखें ये, और lesser tuberosity ये, ठीक है, जो अंदर इस साइड पे जो होगी ना वो लेसर, और उनके दरमियान में एक ग्रूव बनता है। ठीक है, दिस ग्रूव इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मसल की अटैचमेंट होती है। ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ ग्रूव बिटवीन द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी एंड द लेसर ट्यूबरकल, ठीक है, इन दोनों के दरमियान। फिर सेंटर में हमारे पास ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, सेंटर से थोड़ा सा ये बाहर की तरफ, फिर नीचे जो है वो हमारे पास मीडियल एंड लेटरल, और ये हमारे अटैच होंगे जो रेडियस और अल्ना के साथ। ठीक है, तो हमारे कंसर्न में अभी शोल्डर जॉइंट में यही ये वाला पार्ट है ऊपर, और इसके साथ जो मसल्स हैं वो हम लोग इसकी पढ़ते हैं। अच्छा, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी हैज थ्री फेसेट्स, द सुपीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। ठीक है, तो इनके बस आप लोगों ने ये याद करना है कि ग्रेटर ट्यूबरोसिटी हैज थ्री फेसेट्स, और इनके ऊपर तीनों के ऊपर तीन मसल्स की टेंडन्स की अटैचमेंट होती है। ठीक है, वो तीन टेंडन्स कौन से हैं, सुपीरियर नाम याद करने हैं, सुपीरियर फेसेट के ऊपर सुप्रास्पाइनेटस, मिडल के ऊपर हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस, और पोस्टीरियर फेसेट के ऊपर हमारे पास टीरीज माइनर टेंडन। ठीक,
सुपीरियरली ऐसे याद रखो, सुपीरियर फेसेट के ऊपर सुप्रा स्पाइनेटस, मिड इंफीरियर जो हमारे पास उससे थोड़ा सा नीचे आ जाओ फेसेट पे मिडल पे, तो उसके ऊपर इंफ्रा स्पाइनेटस, एंड थर्ड जो पोस्टीरियरली पड़ा होगा वहां पे टीरीज माइनर टेंडन. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, एक ग्रेटर टिब्रोसिटी हैज थ्री फेसेट्स एंड इंसर्शन ऑफ थ्री टेंडन. अब आज लेसर टिब्रोसिटी लाइज इंटीरियर टू द ह्यूमरल हेड, जो कि अभी हमने पिक्चर में देखा है. ठीक है, इसके ऊपर कौन से टेंडन की इंसर्शन होगी? सब स्कैपुलरस टेंडन. क्लियर हो गया? तीन मसल हमारे, तीन टेंडन हमारे हो गए ग्रेटर टिब्रोसिटी के ऊपर. हमारे सबसे ऊपर जो है वो याद करना सुपीरियरली मिडल एंड पोस्टीरियरली. सुपीरियरली सुपरा, सेंटर में इंफीरियर पे जो आ गया इंफ्रा नेम से है, एंड पोस्टीरियरली वी हैव टीरीज माइनर. और हमारे लेसर टिब्रोसिटी के ऊपर कौन सा टेंडन है? सब स्कैपुलरिस. सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं, टेंडन कौन से. फिर दोनों लेसर और ग्रेटर टिब्रोसिटी के अंदर मैंने अभी आपको बताया था देयर इज अ ग्रूव. ठीक है, वो डिप्रेशन सा एक ग्रूव होता है वहां. उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि वहां पे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन की अटैचमेंट होती है. ठीक है, ये ब्रेसिपिटल ग्रूव लाइज बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर टिब्रोसिटी, नॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन. अब अभी तक हम लोगों ने कितने मसल टेंडन्स पढ़ लिए हैं? चार, वो और ये एक पांचवा. ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप. ये पांचों मसल मिलके क्या बना, टेंडन्स मिलके बनाते हैं हमारे पास रोटेटर कफ. रोटेटर कफ का वर्ड आपने सुना होगा बहुत, कि रोटेटर कफ इंजरी हो गई है, पार्शियल रोटेटर कफ टीयर है, एक कंप्लीट रोटेटर कफ टीयर. व्हाट इज रोटेटर कफ? रोटेटर कफ जो है हमारे पास एक स्टेबलाइजर है शोल्डर ज्वाइंट का. क्या करता है ये, जो सारे टेंडन्स हैं ये मिलके हमारे पास शोल्डर ज्वाइंट को स्टेबलाइज करते हैं ताकि डायनेमिक मूवमेंट हो सके. क्योंकि एक मूवमेंट नहीं होती, बहुत सारी मूवमेंट होती है शोल्डर ज्वाइंट के ऊपर. तो ये सारे जितने भी हमारे पास मसल्स हैं, जो कि हम अभी पढ़ते हैं कि जो अगर मैं पूछूं रोटेटर कफ किन मसल्स सॉरी किन टेंडन से मिलके बनता है, तो आपने वो रोटेटर कफ टेंडन्स याद करनी है. ठीक है, अभी हमने इंसर्शन याद कर ली है उनकी कि कहाँ कहाँ वो अटैच होते हैं, और वो आगे हम टेबुलर फॉर्म में भी, टेबल में भी मैंने आपको बता दिया, तो वो याद करना ईजी हो जाएगा. बट रोटेटर कफ का क्या मेन इंपॉर्टेंस क्या है, ये डायनेमिक स्टेबलाइजर है शोल्डर ज्वाइंट का, ये सारे टेंडन्स हैं. ठीक है, द स्टेटिक स्टेबलाइजर आर द शोल्डर ज्वाइंट कैप्सूल एंड द लेबरल कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग द ग्लेनोहुमरल लिगामेंट. अब ये रोटेटर कफ के कौन कौन से मसल आ गए हैं? ये रोटेटर कफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ द फोर मसल्स एंड देयर मस्कुलर टेंडिनस अटैचमेंट. नंबर वन सबस्कैपुलरिस. सुप्रा स्पाइनेटस कहाँ अटैचमेंट थी अभी हमने पढ़ा था? सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द, वहां पे जो हमारा सुपीरियर फेसेट था. ठीक है, ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी का. फिर हमारे पास इंफ्रा स्पाइनेटस कहाँ था? मिडल में. फिर हमारे पास टीरीज माइनर था, वो कहाँ था? पोस्टीरियरली. एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप बाइसेपिटल ग्रूव के अंदर. और एक सब स्कैपुलरिस है. ये हमारे पास, ये जो मसल्स हैं, ये टेंडन्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? रोटेटर कफ. दिस इज अ टेबल जो कि मैं आपको बता रही थी कि याद करना इजी हो जाएगा. सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर, सब स्कैपुलरिस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, ये पांचों मिलके हमारे पास रोटेटर कफ बनाते हैं. रोटेटर कफ बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जब हम लोग इसकी पैथोलॉजीज पढ़ेंगे, तो रोटेटर कफ की पैथोलॉजीज ही ज्यादा पढ़ेंगे. तो आपको पता हो कि रोटेटर कफ में कौन कौन से मसल्स हैं, ठीक है, और उनका ये ओरिजिन इंसर्शन है, और इनका फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको पता हो कि इस मसल का ये फंक्शन है, ताकि हमारे पास अगर पेशेंट आया है, और मैं ये पूछ भी सकते हैं उसके अंदर एमसीक्यूज या कुछ उसके अंदर, कि इफ अ पेशेंट कैन नॉट एबडक्ट हिज ह्यूमरस, एबडक्ट, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके क्या प्रॉब्लम हो सकता है. तो यू शुड नो फंक्शन ऑफ सुप्रास्पाइनेटिस. सुप्रास्पाइनेटिस इज एबडक्शन. सो पेशेंट कंप्लेन्स एबडक्शन के साथ कर रहा है कि वो एबडक्ट नहीं कर पा रहा, तो उसका सुप्रास्पाइनेटस में भी टेंडन टियर हुआ हो. ठीक है, तो रोटेटर कफ में जब देखें, तो दीज फोर मसल्स हैव इम्पोर्टेंस इन डायनेमिक स्टेबिलाईजेशन या मूवमेंट के अंदर हमारी. तो ये जो रोटेटर कफ है, इसको अपने अच्छे से याद करना है, रोटेटर कफ के कौन से टेंडन है और उनका फंक्शन क्या है और इनकी अटैचमेंट्स क्या है. ठीक है, अच्छा, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, एज वी ऑल नो कि अभी हमने जिस तरह पीछे पढ़ा था कि जो हमारे पास ग्रूव बन रहा है बिटवीन द लेसर एंड द ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी, वहां पे ये आके जो है ना, वहां पे पड़ा होता है. सो द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ओरिजिनेट एट मोस्ट सुपीरियर पोर्शन ऑफ द ग्लेनॉइड एट द सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल एंड ग्लेनॉइड लेब्रम. ठीक है, द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप इज इंट्रा आर्टिकुलर बट एक्स्ट्रा साइनोवियल. फ्रॉम इट्स ओरिजिन द टेंडन विच एवरेजेस 9 सेंटीमीटर इन लेंथ.
ठीक है, ये लॉन्ग हेड और बाइसेप की बात कर रहे हैं। अगर हम उसकी लेंथ कंप्लीट देखें तो इट इज 9 सेंटीमीटर इन लेंथ, कोर्सेज ऑब्लीगली अक्रॉस द टॉप ऑफ द ह्यूमरल हेड इन टू द बाइसेप्टल ग्रूव वेयर इट मेजर्स अ मैक्सिमम ऑफ 4.7 mm इन डेप्थ। सो द डेप्थ इज 4.7 mm एंड द लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, किसकी? बाइसेप्टल ग्रूव की। ठीक है, then we have bicipital groove के अंदर क्या है? Within the bicipital groove, the bicep tendon is restrained by the transverse humeral ligament. अब वो वहाँ पे attach किस तरह हो रहा है? जो transversely हमारे पास एक ligament है, that is humeral ligament, वो उसको जो है ना क्या कहते हैं उसको stable कर रहा है उस जगह पे जहाँ पे वो groove के अंदर उसकी placement है। Grooves which are less than 3 mm are considered shallow, with high risk of long head or bicep dislocation or the subluxation. This is important point. ये भी एक MCQ point है कि अगर उस groove की जो depth है, ठीक है, वो जितना कम hollow होगा उसमें उसके जो हमारे पास long head or bicep जो है उसकी dislocate होने के chances ज्यादा है। ठीक है, जितना वो deeper होगा, depth में ज्यादा होगा, वो उतना stable होगा, उतना वो fix हो जाएगा उसके अंदर, तो उसके dislocate होने के chances कम होते हैं। Clear हो गया? तो अगर 3 mm से कम है उसकी डेप्थ, उसकी शैलोनेस, ठीक है, तो डिसलोकेशन के चांसेस ज्यादा हैं। फिर हमारे पास द लेसर ट्यूबरोसिटी फॉर्म्स द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव, फॉर्म्स द लोअर साइड वॉल ऑफ द ग्रूव, रिजल्टिंग इन अ हायर इंसिडेंस ऑफ मीडियल सबलक्सेशन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप देन द लेटरल। लिगामेंट्स आ जाओ, दो तो पढ़ लिए थे, एक हमारे पास क्या है, कौन कौन सा जो पूरे शोल्डर ज्वाइंट पे लिगामेंट्स है? Curacohumeral ligament जो coracoid process of humerus को join कर रहा है, glenohumeral ligament जो glenoid cavity के अंदर जो labrum है हमारा, जो labrum था जिसके अंदर humerus head ने आके fix होना है, वो उस ligament को glenohumeral ligament कहते हैं, या फिर हमारे पास वो glenolabrum कहलाता है। Transverse humeral ligament ये किसको किसको stable करता है, जिस तरह अभी हमने last slide में पढ़ा था, long head of bicep, ठीक है। फिर हमारे पास ग्लिनोइड लेब्रम, वही एक फाइब्रो कार्टिलेज है हमारे पास जो कि फिक्स करेगा किसको, ये ह्यूमरस, ठीक है। अब कुरैको ह्यूमरल लिगामेंट क्या है? कुरैकोइड प्रोसेस से ह्यूमरस पे आ रहा है एक लिगामेंट, अ ब्रॉड बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स द कोरकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला टू द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। बोन्स पढ़ ली है, अब उन बोन्स को अटैच हमारे लिगामेंट्स। अब नेम से हमारे लिगामेंट्स, बस नेम पढ़ते जो, नेम से बता रहा है कि दो बोन्स को किसको वो ज्वाइंट लिगामेंट याद कर रहा है। लिगामेंट चारों के नाम याद कर लो, रोटेटर का मसल्स के नाम याद कर लो, बोन्स कौन सी हैं वो याद कर लो, शोल्डर गर्डल किस तरह बना रहा है बोन्स के अंदर वो याद करो, ठीक है। और फिर नेम से लिगामेंट किए हैं कि ये किसको किसके साथ बना, ग्लिनॉइड जो फोसा है उसको ह्यूमरस के साथ जो फाइब्रस बैंड है, ठीक है, वो ज्वाइंट अगर कर रहा है तो दिस इज ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट, ठीक। फिर ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, अ नैरो शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू रनिंग बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल, ठीक है, ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप जो है ना उसको क्या कहते हैं उसके उसको उसको स्टेबल कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास खत्म हो गए उसके लिगामेंट्स। अब आगे बरसास, जिस तरह हम लोगों ने पहले पढ़े थे नी के अंदर भी, वी हैव सम बरसास, ठीक है, उनका क्या काम होता है? वो एक कुशनिंग इफेक्ट देते हैं, दे आर एन इक्विड फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, प्रेजेंट बीनीथ सम मसल्स जो कि उसकी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। मूवमेंट में बहुत ज्यादा ये मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादा मूवमेंट होती है तो ये मसल्स उतना ही मूव करने की वजह से इनके टीयर होने के चांसेस ज्यादा है। तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास इस जगहों पे अल्लाह ने बरसास कुछ रखे हुए हैं ताकि ज्यादा मूवमेंट की वजह से वो आपस में टीयर होने के चांसेस कम हो, ठीक है। इसी तरह नी के अंदर जो बरसास हमने पढ़े थे, इसी तरह शोल्डर के अंदर नेम से आपको बता रही है कि जो जो मसल्स हैं उनके बीनीथ हमारे पास ये बरसास पड़े हुए। नाम याद कर लो, सब स्कैपुलर बरसा, सब डेल्टॉइड बरसा, सब एक्रोमियल बरसा एंड सब कोरकॉइड, ये नाम से आपको बता रहे हैं, सब मींस बीनीथ दैट स्ट्रक्चर हमारे पास ये बरसा पड़ा हुआ, ठीक है। अब लोकेटेड बिटवीन द ज्वाइंट कैप्सूल एंड द टेंडन ऑफ द सब स्कैपुलर मसल्स, ये बरसास जो है ना बस उनकी पोजीशंस बताई हुई है कि किस किस जगह इनके नेम से आपको बता रही हूँ। सब स्कैपुलर बरसा यूजुअली कंटिन्यूस विद द साइनोवियल कैप्सूल, दिस बरसा इज इंपॉर्टेंट जो हमारा साइनोवियल ज्वाइंट बनाता है, पूरा शोल्डर ज्वाइंट साइनोवियल ज्वाइंट है ना, तो साइनोवियल कैप्सूल के अंदर, साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो सब स्कैपुलर बरसा वाहिद बरसा है जो कंटिन्यूस करता है साइनोवियल कैप्सूल के साथ, उसका जो फ्लूइड है वो एक इस तरह जिस तरह उसके साथ अटैच होता है ना शोल्डर
जो क्या कह सकते हैं साइनोवियल जो हमारे पास फ्लूइड है उसका और सबस्कैपुलर बर्सा का कम्युनिकेशन है बिटवीन, ठीक है। अदर बर्सा डू नॉट कम्युनिकेट विद द जॉइंट कैविटी बट मे कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये पॉइंट क्लियर हो गया, सिर्फ वाहिद सबस्कैपुलर बर्सा है जो कि साइनोवियल कैप्सूल के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, वो भी फ्लूइड है। तो इस साइनोवियल कैविटी के अंदर हमारे पास साइनोवियल जो है फ्लूइड होता है, तो वो बर्सा आपस में दोनों कम्युनिकेट करेंगे। कौन सा बर्सा कम्युनिकेट करता है साइनोवियल कैप्सूल के साथ? सबस्कैपुलर, ठीक है। एंड अदर बर्सा डू नॉट कम्युनिकेट बट दे मे कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये हमारे पास मूवमेंट है शोल्डर ज्वाइंट की, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, सर्कमडक्शन, ठीक है, कंबाइन, जो पूरी मूवमेंट इस तरह करके अगर रोटेट करो तो ये सारी मूवमेंट हमारी शोल्डर की है। देन हमारे पास एक सबसे बड़ा सा एक मसल पोस्टीरियरली पड़ा होता है, दैट इज द लैटिसमस डॉर्साई मसल, ट्राइंगुलर मसल है, ठीक है। इट कनेक्ट्स द ह्यूमरस, अलाउज द एक्सटेंशन एंड एडक्शन ऑफ द अपर आर्म। बस ये हमें इतना याद होना चाहिए कि क्योंकि ये ह्यूमरस के साथ अटैच है तो इसका भी एक रोल है, ह्यूमरस को एडक्शन एक्सटेंशन में इसका ये रोल प्ले करता है। So this, these are the muscles posteriorly हमारे पास पड़े हुए। ये deltoid हो गया, ये है हमारे पास latissimus dorsi जो कि अटैच हो रहा है humerus के साथ और उसकी extension और adduction करवा रहा है, ठीक है। ये बड़ा सा मसल जो पीछे पड़ा हुआ, ठीक है। बाकी मसल जो है रोटेटर कफ के हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। abductors कौन से हैं? supraspinatus, deltoid मसल। deltoid मसल का काम क्या है? कवर्स द शोल्डर ज्वाइंट, मोस्टली ज्यादातर इंजेक्शन इसी में लग रहे होते हैं। कनेक्टिंग द क्लेविकल एंड स्कैपुलर टू द लेटरल साइड ऑफ द ह्यूमरस। अडक्ट कौन से करवा रहे हैं, ठीक है। ये तीन चार मसल्स हैं जिनका रोल है हमारे इसके अंदर। तो वी हैव कम्प्लीटेड द एनाटॉमी ऑफ द शोल्डर, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं। बोन्स पड़ी हैं, बोन्स किस तरह यूनाइट करेंगे? हाउ मेनी बोन्स वी हैव? देयर इज अ स्कैपुला, क्लेविकल एंड ह्यूमरस, ठीक है। Which bones makes the shoulder girdle and how? ठीक है, वो आपने बताना है। Then हमारे पास shoulder joint किससे बनेगा? Shoulder joint humerus भी बीच में attach होगा, shoulder girdle के अंदर humerus attach नहीं होगा, ठीक है। Then कौन सी जो ligaments हैं that will attach and जो इनको unite करेगा और makes the shoulder joint, वो ligaments। Then we have rotator cuff muscles, उनका important role है वो pathology के अंदर, ठीक है। वो आपने चारों पांचों याद कर लेने हैं। ह्यूमरस की जो रीजन है जहाँ पे लेसर टिब्रोसिटी, ग्रेटर टिब्रोसिटी, देयर इज अ ग्रूव बिटवीन लेसर एंड ग्रेटर, तो उसके अंदर कौन कौन से मसल्स या टेंडन्स की अटैचमेंट है, ये सिर्फ बस हमने एनाटॉमी में चार पांच चीजें पढ़ी हैं, तो पैथोलॉजी भी इससे रिलेटेड होगी। देन वी हैव बर्सास, वो हम नेम से चार पांच बताए थे। सिर्फ एक वाहिद बर्सा है डेट विल कम्युनिकेट विद द साइनोवियल कैविटी, वो कौन सी है? वो हमारे पास सबस्कैपुलरिस है, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। एनी क्वेश्चन? मैम, हाँ जी, ये एक्स्ट्रा साइनोवियल इंट्रा साइनोवियल का क्या मतलब है? जो हमारी साइनोवियल कैविटी होती है, आप भी कुछ बोलियो, ठीक है। जो हमारी साइनोवियल कैविटी है उसके आपने क्या पूछा? एक्सटर्नल और इंटरनल कैविटी जो होती है हमारी साइनोवियल, ठीक है। साइनोवियल एक कैविटी होती है, साइनोवियल फ्लूइड उसके अंदर होगा, जो उसके आउटसाइड होगा दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा, एंड जो इंटरनल होंगे वो इंटरनल होंगे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो साइनोवियल में इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन से? हमने साइनोवियल हाइपरट्रॉफी पढ़ी थी ना एक, वो क्या है? साइनोवियल मेंब्रेन, ओके मैम, ओके, ओके। जो एक्सक्रीट कर रही है साइनोवियल फ्लूइड को, ठीक है। तो साइनोवियल जो फ्लूइड है वो आता कहाँ से? साइनोवियल जो लाइनिंग है हमारे पास वहां से ही तो फ्लूइड बनता है, और वो हमारे साइनोवियल कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड है वो आता वहीं से, साइनोवियल हाइपरट्रॉफी हमने पढ़ी थी। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। लेकिन अभी जिस तरह हमने सबस्कैपुलरिस पढ़ा है, एक बर्सा है दैट इज कम्युनिकेटिंग विद द साइनोवियल जो कैविटी है, ठीक है, उसका एक समझ लो कि इंटरनल ही कम्युनिकेशन है ना, वो उसका फ्लूइड और इसका फ्लूइड ड्रेन आपस में कर रहे होते हैं, दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं साइनोवियल फ्लूइड,
ठीक है, वो इंटरनली अटैच, तो ये उससे भी हम लोग कह सकते हैं कि जो इंटरनली दोनों कैविटी के साथ अटैच होंगे और जिसका कम्युनिकेशन नहीं है उस साइनोवियल कैविटी के, दैट इज द आउटसाइड एक्सटर्नल हो सकते हैं. ठीक है, जिसका इंटरनली कम्युनिकेशन है दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर्स. तो सबस्कैपुलरिस एक इंटरनल कम्युनिकेशन है साइनोवियल कैविटी के साथ. ठीक है, इसके अलावा ठीक है, अब आप लोगों की क्लासेस शुरू हो रही है. नेक्स्ट हम लोग जो है, मैंने ईमेल अभी पढ़ी है, वो जो ऑड एंड इवन में आप लोगों को शायद डिवाइड किया हुआ है. जो फर्स्ट हमारी जो क्लास हुआ करेगी जो कि वेंसडे को होती है, उसमें ऑड वाले आएंगे पहले के इवन वाले, ऑड वाले आएंगे ठीक है, इवन वाले जो है वो सैटरडे को आएंगे. तो जिनके रोल नंबर, ये तो लास्ट टाइम आप लोगों को किस तरह चला होगा, लास्ट सेमेस्टर में मैं नहीं थी तो वो आप लोगों को तो ज्यादा आइडिया होगा किस तरह ये चला था. मेरे लिए फर्स्ट टाइम जी मैम, क्लास प्रॉपर कैंपस में नहीं है. सुना तो ये था कि ऑन कैंपस ही सारी क्लासेस होंगी, लेकिन अब फिर उन्होंने डिवाइड कर दिया है बच्चों को कि होंगी ऑन कैंपस ही, लेकिन आधे बच्चे जो हैं वो एक दफा आएंगे, आधे बच्चे एक दफा. हफ्ते में दो क्लासेस होती हैं, तो एक क्लास में ऑड वाले आएंगे तो दूसरे जो क्लास होगी हफ्ते में उसमें इवन वाले आएंगे. इस तरह तो जो जिसमें नहीं आएंगे वो ऑनलाइन कर देना. मैम जो ऑनलाइन है वो दोनों डेज में क्लासेस होंगी. ऑनलाइन तो इसी तरह क्लास में, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ क्लास में जाती पढ़ाती हूँ तो वो आप लोग सुन. अच्छा मैम, जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑनलाइन भी ले सकते हैं ना. अब जिनकी प्रॉब्लम मेरा ख्याल है मैं पता कर लेती हूँ, लेकिन डिवाइड जिस तरह ऑर्डर इवन में किया हुआ सिर्फ उसी का होगा, जो अपनी मर्जी का तो नहीं मेरा ख्याल हो सकता. हाँ जी मैम, वो अटेंडेंस आप ऑनलाइन क्लास में भी लगाएंगे ना, तो फिर वो अटेंडेंस उनकी हो जाएगी. हाँ वो तो हो ही जाएगी, मसला ही होगा मुझे तो लग रहा है. आप लोगों ने पहले ये पढ़ा है ऑनलाइन, आधे ऑनलाइन आधे ऑन कैंपस. जी भाई, मैंने कहा जब अब यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट हो गई है तो सारा कुछ ऑन कैंपस ही करना चाहिए. उनको सबको बुलाएं, वैक्सीनेशन लगवाओ और वापस आओ सारे. पता नहीं क्या ये आधे फिर सरदर्द ही है ये बिल्कुल, कि किस तरह हम लोग उनके असेसमेंट्स लें, किस तरह उनके अटेंडेंस लें. आधे बच्चे ऑन कैंपस हों, आधे बच्चे मर्जी से कह रहे होते हैं कि हमने लेना है ऑन कैंपस, आधे कह रहे होते हैं हमने ऑनलाइन लेना है. समझ से बाहर होता है, इतने इतने बच्चे हैं, 100+ एक क्लास में बच्चे हैं, सबको मैनेज किस तरह करें हम और किस तरह जो हो ये हो. चलो अभी स्टार्ट तो करते हैं ना, जिस तरह उन्होंने इनकी पॉलिसी बनाई है तो जो है फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट क्लास हुआ करेगी उसमें ऑड वाले आ जाया करें और जो सेकेंड है उसमें इवन वाले आ जाया करें. तो अभी देखते हैं, एक हफ्ता स्टार्ट करते हैं किस तरह ये मैनेज होगा. प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली ये लोग कुछ करेंगे ही, लेकिन अभी स्टार्ट इसी तरह ही होगा. ठीक है तो मैम, मैम मैंने लास्ट लेक्चर में से एक क्वेश्चन पूछना था. लास्ट कौन सा लेक्चर था? हाँ जी पूछो मैम. रेस्टोरेंट वाला मैम, आपने बताया था कि जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करते हैं तो हम रेस्टोरेंट की मूवमेंट भी करवाते हैं, वो चेक करते हैं. हाँ जी. और जब हम मूवमेंट करा रहे होते हैं उससे हमारा प्रोब नहीं हिल जाता, या फिर प्रोब की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं, प्रोब बिल्कुल नहीं हमने मूव करनी है. आप खुद देखो, अगर जब आप अपनी आर्म के ऊपर, रिस्ट के ऊपर अपनी प्रोब रखो और अटैच करो उसको स्किन के साथ, ठीक है, आपने एक हाथ से जो है प्रोब को रखा है, दैट इज अटैच टू योर स्किन. ठीक, अब आप खुद अपना हाथ के ऊपर हाथ रख के देखो कि रिस्ट के ऊपर समझ लो कि आपने एक हाथ रखा है अपना और वो प्रोब है. अब अपने फिंगर्स को मूव करो, हाथ को नहीं मूव करो, फिंगर्स को ऊपर नीचे मूव करो. ठीक है, तो वो अंदर जो उसकी मूवमेंट है वो डायनेमिक इमेजिंग, वो आगे एक्सटेंशन फ्लेक्शन में वो मूव कर रहे होंगे टेंडन्स, लेकिन आपका हाथ नहीं मूव कर रहा, वो उसके ऊपर ही पड़ा हुआ है स्किन के ऊपर. तो दिस इज प्रोब, तो उस जगह पे जो है वो, और प्रोब मूव करनी भी नहीं चाहिए. ठीक है, नॉर्मल जब हम इस तरह डायनेमिक इमेजिंग करते हैं तो वो स्टेबल होता है, अपना हाथ उसके ऊपर रखना है. तो हम लोग देखेंगे इसको प्रैक्टिकली भी किस तरह ये आपको टेंडन्स मूव करते हुए इसमें फील हो रहे होंगे. फिंगर्स को ऊपर नीचे करो, ठीक है, और वो जो आपका हाथ है वो आपका प्रोब है जो ऊपर आपने रखा हुआ, तो वो मूव नहीं करेगा. इसी तरह जब हम पैनोरामिक इमेजिंग करते हैं उसमें क्या होता है, प्रोब को हमने मूव करके पूरे व्यू को, हमने एक लैंडस्केप जो व्यू है हमारा उसको एक ही इमेज के ऊपर लेके आना होता है. उसके अंदर भी बड़ी केयर की जरूरत होती है कि क्या हमने प्रोब को बिल्कुल सीधा लेके आना, थोड़ा सा भी इधर उधर हिलाना तो वो ओवरलैप हो सकता है इमेज हमारा.
ठीक है, ये भी हम देखेंगे उसके ऊपर अभी, लेकिन हमारे पास जो मशीन है उसके अंदर ये पैनोरामिक इमेजिंग वाला फंक्शन नहीं है, बट मैं वैसे ट्राई करूंगी कि किस तरह मूव करता है, किस तरह हम इसकी इमेज बनाते हैं, वो उसके ऊपर भी दिखाऊंगी। ठीक है, प्रैक्टिकल भी यूं ही कर लेंगे कि मतलब अगर ऑड इवन में है तो एक दिन हम लोग जो बच्चे ऑड वाले हैं, जब हमारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तो ऑड वाले बच्चे जिस दिन आए उस दिन हम उनका करवा लेंगे प्रैक्टिकल, इवन वालों की जिस दिन क्लास हुआ करेगी और उस दिन हम लोग जो है ना उनके साथ प्रैक्टिकल कर लेंगे। ठीक है, वो भी यूं ही अब डिवाइड करते हैं, पता नहीं क्या हिसाब है इवन का। जी मैम, अगर साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा इनका बता दिया करें, उधर मशीन तो पड़ी हुई है, क्या बता दिया करो, साथ साथ ही थोड़ा सा ना बता दिया करें, उधर मशीन तो पड़ी हुई है ना, तो प्रैक्टिस करवा दिया करें लेक्चर के बाद। मशीन हम लोग लैब में रख दी है, हम लोग कैसे जाएं, जब क्लास में क्लास तो जहाँ लें फिर उसके बाद मशीन पड़ी है वो ऊपर उन्होंने लैब जो फोर्थ फ्लोर पे बना दी है उधर जाके मशीन रख दी है। ठीक है, तो अब हम ड्यूरिंग क्लास तो नहीं वहाँ पे जा सकते, लेकिन क्लास के बाद जो है ये सारी चीजें हम लोग ना पढ़ेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा रिवाइज भी करते जाएंगे ताकि आप लोग जो पहले पढ़ चुके हुए हो, क्योंकि सिर्फ हमने मस्कुलोस्केलेटल नहीं देखना, आप लोगों को जनरल वो भी स्कैनिंग भी दिखानी है, क्योंकि आप लोगों ने वो पढ़ लिया, रीजनल भी पढ़ लिया, जनरल भी पढ़ लिया, अल्ट्रासाउंड पढ़ लिया ना दोनों सब्जेक्ट, तो जी मैं। आप लोगों को कोई भी नहीं कुछ चीज पता होगी तो हम वो चीजें भी जनरली पूरी प्रैक्टिकल रखेंगे, तो सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल तो थोड़ा सा ही है, वो तो हम देख ही लेंगे जल्दी, हमारे पास एक ही प्रोब है वैसे तो, हाई फ्रिक्वेंसी लीनियर प्रोब यहाँ पे नहीं है, लीनियर प्रोब है उससे जितना गुजारा हो सका हम करेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी में ऑब्वियसली वो डेडिकेटेड होती है मस्कुलोस्केलेटल के लिए। तो जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग एक कॉन्फ्रेंस रखेंगे 3 डेज की, तो मैं कोशिश करूंगी कंपनीज से ना हम अच्छी मशीनें जो है ना वहाँ पर डिस्प्ले करवा सकें, ताकि उनको आप लोग एक दफ़ा देखो, ये कंपनीज वाले अपनी मशीन जो है ना डेमो पर्पस के लिए इधर उधर रखते होते हैं हॉस्पिटल्स में भी और डॉक्टर्स के लिए भी देखने के लिए कि क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, तो उनसे कोशिश करेंगे हम अच्छी मशीन्स भी लें ताकि अच्छे फंक्शंस का भी आपको बीच में आइडिया हो कि किस तरह होती है, लेकिन अभी आप बेसिक चीज़ें तो देख लो फिर हम एडवांस की तरफ भी आ जाएंगे। तो बेसिक में यही स्कैनिंग और प्रोब हैंडलिंग नोवोलॉजीज ये चीज़ें अभी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे टाइम हुआ करेगा तो इनशाला फिर हम लोग इन बिटवीन आर लेक्चर्स जो हैं कोशिश करेंगे कि टाइम एक्चुअली मैनेज नहीं होता, 1 घंटे की तो क्लास होती है उसमें फिर किस तरह मैनेज हो, पूरी ऊपर लैब में जाके नीचे बेसमेंट में क्लास होती है आपकी, बेसमेंट में नहीं फर्स्ट फ्लोर पे शायद, क्या पता नहीं अभी देखो क्या अरेंज होता है ऑन कैंपस, तो जहाँ पे भी क्लास हो अगर हमारे पास ही मशीन होगी तो ऑब्वियसली हम साथ ही देखेंगे, और जिस दिन छोटा, आप तो बल्कि मैं कह रही हूँ छोटे लेक्चर्स हैं इसके बाद ना, तो कोशिश किया करेंगे कि जल्दी क्लास में फौरन जितना 11 बजे स्टार्ट होती है क्लास, यहाँ 9:30 क्लास स्टार्ट होती है एग्जैक्ट उतने बजे हम क्लास स्टार्ट कर दिया करें, सब आ जाया करो, ताकि हम कोशिश करें कि 20 मिनट तक जो है वो क्लास वाइंड अप कर लें, साथ ही हम जो आधा घंटा अगला वो प्रैक्टिकल में कर लें, अगले लेक्चर सारे छोटे हैं, सिर्फ ये एक शोल्डर ही है जो बड़ा एक रीजन है जिसमें पैथोलॉजी और एक अल्ट्रासाउंड 2 लेक्चर्स रह जाएंगे, तो हमारे बड़े रीजन सारे खत्म हो जाएंगे, फिर छोटे छोटे से हैं वो हम जो है ना जल्दी जल्दी कम्प्लीट कर लिया करेंगे। ठीक है, तो उसमें कोशिश करेंगे साथ प्रैक्टिकल करने की। ठीक है, कोई क्वेश्चन इससे अलावा, कुछ और बात करनी है? ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फेस टू फेस। और मैम फर्स्ट क्लास में पॉकेट बुक के बताया था तो उनके ना कोई भी दो अच्छी जो है उनके नाम बता दो प्लीज। क्या बताया था? पॉकेट बुक, पॉकेट बुक्स, पॉकेट बुक्स मैंने कुछ बताई थी आपकी रेडियोलॉजी से रिलेटेड, एक चैपमैन है ठीक है, वो प्रोसीजर की बुक है, मैं आपको ना देख के ना प्रॉपर उनके ऑथर्स के नाम और उनके साथ प्रॉपर जो भी इनका नाम है वो मैं ईमेल कर दूंगी, यहाँ क्लास में आते हो ना तो मैं क्लास में किसी दिन ले भी आऊंगी। ठीक है, वहाँ के मेरे पास यूनिवर्सिटी में ही पड़ी हुई है टेबल के ऊपर बुक्स कुछ ना, तो मैं आपको दिखा भी दूंगी, तो आप ऑथर के भी नेम उनको देख लेना जो, क्योंकि एडिशन तो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो मस्कुलोस्केलेटल मेरे पास कोई बुक ऐसी है नहीं अच्छी, आप कोशिश करो जो कि मैंने एक रेडियोलॉजी की बुक बताई है उसकी, रेडियोलॉजी कह रही हूँ अल्ट्रासाउंड की बुक बताई है रेक्विजिट, उसके अंदर में भी हो, रेक्विजिट के अंदर ना सारे रीजन्स हैं आपके एब्डोमेन के, आपके सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स, आपका डॉपलर भी उसके अंदर है, एक ही बुक बहुत अच्छी है अल्ट्रासाउंड की रेक्विजिट, वो ले लो फॉर अभी के लिए, तो अगर आपने एडवांस अगर कुछ आगे करना है फिर हम डेडिकेटेड बुक्स उसकी तरफ लेके, अगर अल्ट्रासाउंड में जाना है तो वो फिर 4-5 बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी, MRI में जाना है तो उसके लिए हर चीज़ हर बुक, जिसकी जिसमें स्पेशलाइजेशन हो जिसका शौक है तो
और अभी से ही जिसका जिस मोडालिटी में शौक है तो वो जरा सोच के रखे, क्योंकि उसी में फिर आप रिसर्च करो तो बेहतर है। मैं उन्हीं बच्चों को वही कहती होती हूँ कि आपका रिसर्च टॉपिक उस मोडालिटी में ही होना चाहिए जिसमें आगे आपने परस्यू करना है, आपने उसमें हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, अगर आप अल्ट्रासाउंड में करना है, MRI में करना है, ठीक है, तो आपका टॉपिक भी उसी से रिलेटेड हो। आप जब रिसर्च करोगे, आप जब पेशेंट डाटा लोगे वहां से उस मोडालिटी का, तो आपको ईजी हो जाएगा वो सारा, ठीक है। तो कोशिश अभी से ही करो कि आप एक इंटरेस्ट का ले लो मोडालिटी और उसी को ही आगे जो है ना रिसर्च में लेना और आगे उसी में स्पेशलाइजेशन करना, उसी में आगे ट्रेनिंग करना, तो आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड फील्ड बन जाएगी। मुझे पता है बॉयज जो है ना बहुत कम ही अल्ट्रासाउंड की तरफ आते हैं, बॉयज को मैं कहती हूँ MRI या इसकी तरफ, CT, एक्सरेज, फ्लोरो के प्रोसीजर्स, ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है, ये सारे हाईली पेड वाले हैं और उतने ही नो डाउट अल्ट्रासाउंड भी है, लेकिन जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो फिर उसमें अपनी मोडालिटी चूज करे और उसमें फिर जो है ना अपना रिसर्च टॉपिक भी अभी से ही सोच के रखे कि मैंने इस टॉपिक करना है, ठीक है। ठीक है फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा आपकी क्लास में आमिर शौकत कोई है बच्चा? नहीं है, पता नहीं वो उसकी अटेंडेंस शुरू से मेरे पास एबसेंट में आ रहा है, उसे पता नहीं है या वो क्लास नहीं ले रहा, क्या मसला है? सब एबसेंट ही आ रही है उसकी शुरू से ही, आमिर शौकत है कोई। चलो ठीक है फिर इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।